हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। बायोलॉजी की क्लास आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो सभी साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं फ्रेंड्स, तो कोई भी साथी क्लास मिस ना करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेड्यूला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से, वेगस तंत्रिका से। आंसर होगा मेड्यूला से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है, सेरेब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है, राइट आंसर होगा मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ऑप्शन डी। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों को या बड़े किसी को भी अपने चेती पे नहीं मारनी चाहिए, तो वहीं पर हमारा मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है, अग्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। ताप नियंत्रण केंद्र, राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो शरीर के ताप को नियंत्रित करके रखता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस के कार्य क्या हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर यह नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है, मनुष्य स्मृति खो चुका है, जो उसकी मेमोरी है वो लॉस हो गई है, तो उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो प्रभावित हुआ है। आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन देखिए पहले, प्रमस्तिष्क, मेड्यूला, अनुमस्तिष्क, डायनसिफेलॉन। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, मेड्यूला सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क डायनसेफेलॉन, राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डायनसेफेलॉन अग्रमस्तिष्क का भाग है जो थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस में बटा होता है। नेक्स्ट है, न्यूरॉन के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है, मस्तिष्क में, रेटिना में, जीभ में, हृदय में। मस्तिष्क, रेटिना, जीभ, हृदय, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, अमीबा, केंचुआ, कॉकरोच, हाइड्रा। मस्तिष्क नहीं होता, आंसर होगा हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता है, हाइड्रा जलीय है, जलीय जंतु है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है,
अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ऑप्टिक लोब्स। राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा है, एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग, उपर्युक्त तीनों नहीं। राइट आंसर होगा एक अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन में पूछे तो बताइएगा कि त्वचा होती है। मानव शरीर जो है उसके सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, तो आंसर होगा इसका कि त्वचा मानव का एक अंग है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350, 1230, 1100, 1500। मानव मस्तिष्क का भार जो है वह 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में इसका वजन 1450 होता है और औसत वजन 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पूरी आंख। नेत्रदान में मनुष्य का जो है आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? आंसर होगा कॉर्निया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम आइरिस का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें ऐसी किरणें हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आंख के लेंस को के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? मायोपिया, हाइपरमायोपिया, नेत्रश्लेष्मा, मोतियाबिंद। राइट आंसर होगा मोतियाबिंद, ऑप्शन डी। आंख के लेंस का धुंधला हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड, सतही तंत्रिका तंत्र, मोटर तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र, राइट आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, न्यूरॉन इकाई है संयोजी ऊतक की, पेशी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का। न्यूरॉन इकाई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक का। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। एपिथेलियम ऊतक शरीर के बाहरी तथा भीतरी आवरण का निर्माण करता है। ऊतक की कोशिकाओं के बीच कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं। संयोजी ऊतक जो है वह एक अंग
से दूसरे अंग को तथा एक ऊतक से दूसरे ऊतक को जोड़ने का कार्य करते हैं। शरीर का 30% भाग इसी से बना होता है। पेशी ऊतक क्या होते हैं? तो पेशी ऊतक वे ऊतक जो सभी मांसपेशियां इसी ऊतक से बनी होती हैं। संकुचन एवं शिथिलन होता है जिसके कारण जीवों में गति होती है। सभी अंगों एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए ऊतकों को सही उत्तर चुनिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, हृदय रोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मस्तिष्क रोग, स्फिग्नोमैनोमीटर हृदय की धड़कन, स्टेथोस्कोप रक्तचाप। तो इसे हमें सही मिलान करना है। यहाँ पर गलत जोड़ा दिया गया है, इसे हमें सही मिलान करना है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है, तो ए का 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो जहाँ अगर आपने कार्डियो पढ़ा है तो वो हृदय से रिलेटेड होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। कार्डियो मतलब हृदय, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वह हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। उसके बाद जो स्फिग्नोमैनोमीटर है वह रक्तचाप नापना होता है, और स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है। एक बार फिर देखेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क रोगों का निदान कार्य यंत्र, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय रोगों का निदान कार्य यंत्र, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप नापना, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2143। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? नाड़ी मंडल पर, मस्तिष्क पर, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों पर। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? आंसर होगा तंत्रिका तंत्र पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। पुतली या प्यूपिल, दृष्टि पटल या रेटिना, रक्त पटल, कोरोइड, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, आंसर होगा दृष्टि पटल या रेटिना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आंख के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। आयरिस के बीच एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग उभरा रहता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान में इसे ही दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है? कॉर्निया, एक्वियस ह्यूमर, लेंस, काचाभ द्रव्य या विट्रियस ह्यूमर। राइट आंसर होगा लेंस। लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, लेंस। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है गति प्रेरक द्वारा, वेगस तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। राइट आंसर होगा सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन सी। हृदय स्पंदन सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया में, आयरिस में, सलाकाओं में,
शंकुओं में, कॉर्निस आइरिस शलाकाओं शंकुओं में। राइट आंसर होगा शलाकाओं में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है कैरोटीन, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, रेटिनिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोडोप्सिन। नेक्स्ट है, एनोस्मिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, उष्मा संवेदना की कमी को। एनोस्मिया कहते हैं, राइट आंसर होगा घ्राण संवेदना की कमी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? अग्र मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में, मेड्यूला में, ऑप्टिक लोब में। आंसर होगा हाइपोथैलेमस में, प्यास, भूख और जो तापमान है, पसीना आना, प्यार, घृणा, यह सभी पर कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पित्त पिंड से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से, ऑप्शन सी, ए। आई होप फ्रेंड्स सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो साथी बाद में क्लास देखते हैं वे भी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।